गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एडमिट कार्ड 7 दिन पहले एग्ज़ाम से आ जाएगा। तो उसका आप 2 जेरॉक्स करके रख लीजिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस आपका एग्ज़ाम में 40 नंबर का पूछता है, तो ये आपका बहुत मायने रखता है, 40 नंबर आपके रिजल्ट क्वालिफाइड के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। पोरस के साथ पोरस शासक ने सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था। ओके, तो ऑप्शन ए पोरस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इंडिका किसने लिखी? बताइए किसने लिखी? चाणक्य ने, कलहर ने, कालिदास ने या मेगस्तनीज ने? तो मेगस्तनीज ने इंडिका को लिखा था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बताइए, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है श्रवणबेल गोला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवणबेल गोला। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सिकंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा ग्रंथ 16 महापद का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मझीम निकाय, ऑप्शन बी खुद्दर निकाय, ऑप्शन सी अगुंतर निकाय, ऑप्शन डी रसीम निकाय। तो अगुंतर निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो वो मगध था। ओके, आगे देखते हैं, मगध के किस राजा ने अपने राज के लालच में आकर अपने पिता की हत्या कर दी? अशोक ने, घनानंद ने, बिंदुसार ने या अजात शत्रु ने? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन ए। बौद्ध ने सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, पाबा, गंधार या श्रावती में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावती में गौतम बुद्ध ने अपने सार्वधिक उपदेश दिए। और पहला उपदेश कहाँ दिया जब एग्जाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? सारनाथ। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश के लिए। और जब सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ दिया तो उसका हो जाएगा श्रावती। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी, सचिन, गौतम बुद्ध, महावीर? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो उसमें भी आपका गौतम बुद्ध ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या है? राहुल, जमील, वर्धमान, सिद्धार्थ? तो उनका जो मूल नाम था यानी कि निकनेम था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम जो स्टूडेंट यानी शिष्य थे वो जमील थे। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री? तो जीएसटी परिषद का जो चेयरमैन होता है वो वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 12। तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है और अब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2017, 1 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया, नीति वाक्य, नीति शासन, नीति धर्म या नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने का सुझाव पहले किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति, प्रकाश राय समिति, विजय लेकर समिति, अरुण जेटली समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय लेकर समिति ने। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। निम्न में से किसे जीएसटी से बाहर रखा गया है? घी, पास्ता, प्लास्टिक मटेरियल या पेट्रोल? तो पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया? बी एन गाडगिल, बी के राव, बी के आरवी राव, पी सी महाल नोविश, या सी एन वकील। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पी सी महाल नोविश, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन था जिससे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? राधाकृष्णन, के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो जो प्राइम मिनिस्टर का काल होता है उस टाइम पे किसकी मृत्यु हो गई शासन करते हुए, कितने प्रधानमंत्री की अब तक मृत्यु हो चुकी है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पुदुचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन था, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से है संसदीय प्रणाली ली गई है। ओके, थैंक्स।